हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 12 फरवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट सीट में एग्जाम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर, लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष है क्या, इसमें क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में मतलब व्यक्ति दूर की वस्तु तो देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाता, जिसके कारण वो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की गोलाई घट जाती है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी आंख मतलब कि उसकी आंख जो है रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब उसका, लेकिन जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। और निकट, एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता, उसमें क्या होता है जो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर बल्कि रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। और इसके निवारण के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसको अच्छे से याद कीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया मंदिर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर क्या है? ये बैंक दर वह दर है जिसमें केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई अपने व्यापारिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करती है। यानी कि जो आरबीआई है अपने कमर्शियल बैंक जैसे कि वो एसबीआई या फिर सेंट्रल बैंक को जो लोन प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसे बैंक दर कहेंगे। एक होती है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, इसमें जो आरबीआई बैंक अपने कमर्शियल बैंक को जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो उसे कहते हैं रेपो रेट, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जो बैंक दर होती है लॉन्ग टर्म के लिए और जो रेपो रेट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएलओ की स्थापना कब हुई? तो आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये घरेलू रसोई गैस एलपीजी का कनेक्शन से रिलेटेड है। और ये कब शुरू की गई, ये 2016 में शुरू की गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू की गई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो एशिया विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मनीला के फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति में जो कार्यभार वो कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे जब दोनों अब्सेंट है। जैसे जब राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति संभाल लेता है, और यदि दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो हाई कोर्ट होते हैं मतलब कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कहाँ खेला गया? तो इंग्लैंड में खेला गया 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और ये वर्ल्ड का सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिलकर। और ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में जाती है तो इसको सांपों के नाम से भी जाना जाता है, और जब ये असम में जाती है तो असम में दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनेट्स ने की, और रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1863 में की गई। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर काफ़ी इंपोर्टेंट है। और रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है, और रेड क्रॉस को हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन भी पूछे गए थे रेड क्रॉस से रिलेटेड कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो इसको लगभग 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतर होता है? तो संसद के दो सत्र होते हैं, मतलब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता, मतलब 6 महीने तक कोई मीटिंग कराई ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से मयूर सिंहासन कौन ले गया? तो ये नादिर शाह जो मयूर सिंहासन भारत से ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर समान होता है, एटॉमिक नंबर समान होता है किंतु परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो इब्न बतूता ये मोरक्को देश के निवासी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
भगोरिया त्योहार किस और कौन सी जनजाति मनाती है। तो ये पहले देखते हैं, पहले कौन से राज्य मनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश राज्य मनाया जाता है। ये होते जनजाति भील और बिलाला आदिवासी समुदाय का सालाना त्यौहार है जो रंगों के त्यौहार होली के एक हफ्ते पहले मनाया जाता है। भगोरिया त्यौहार जो है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।